गुमानपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह नई धान मंडी स्थित दो मंजिला बियर बार अचानक ढह गया। हादसे में कई लोगों के दबने की आशंका है। निगम और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलने तक एक व्यक्ति को मलबे में से सुरक्षित निकाल लिया गया है। शेष बचे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। इसके अलावा पास ही बिल्डिंग में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक बियर बार के मलबे में दबे तीसरे व्यक्ति को भी बाहर निकाल लिया गया है। पत्थरों के नीचे दबने से वह व्यक्ति गंभीर हो गया है, जिसे इलाज के लिए तुरंत एम्बुलेंस से MBS अस्पताल भिजवा दिया गया है। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस व प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। राहत के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। फिलहाल बार बिल्डिंग गिरने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। प्रशासन रेस्क्यू कर बिल्डिंग में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। अग्निशामक विभाग ने एक दर्जन से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची है। राहत कार्य के लिए हर स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए RAC और SDRF की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता और IG विशाल बंसल भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर विक्रम जिंदल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लोगों की भीड़ को घटनास्थल से हटाया जा रहा है। मौके पर भीड़ अधिक होने से राहत और बचाव कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बियर बार की दो मंजिला बिल्डिंग गिरने से मलबा अधिक होने के कारण काफ़ी लोगों के दबे होने की आशंका है। पत्थरों को हटाकर राहत कार्य किया जा रहा है। नगर निगम का राहत बचाव कार्य लोगों को नियंत्रित कर मलबे में दबे घायलों को निकालने का कार्य कर रहा है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।